नमस्कार सक्सेस मिशन या चॅनलवर आपले सर्वांचे स्वागत आहे तर सी टी टी परीक्षेमध्ये पेपर एकमध्ये पर्यावरण अध्ययन या विषयावर तीस प्रश्न विचारले जातात आणि दीडशेपैकी तीस गुण पर्यावरण अध्ययन या भागाला असतात तर मागच्या वर्षी आलेले काही प्रश्न आपण अभ्यासणार आहोत तर असेच प्रश्न, प्रश्न आता येणाऱ्या सी टी टी परीक्षेमध्ये येतील किंवा यामधले सुद्धा काही प्रश्न सी टी टीच्या पेपरमध्ये नक्कीच असणार आहेत तर हा व्हिडिओ नक्कीच तुम्हाला उपयुक्त ठरणार आहे तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा तसेच सक्सेस मिशन या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा आणि बेल आयकॉन दाबा म्हणजे तुम्हाला पुढचे व्हिडिओ मिळत राहतील आता एकसष्ट नव्वद प्रश्न हे अध्ययनावर असतात तर मागच्या वर्षी एकसष्ट प्रश्न आला होता कोई व्यक्ती उनतीस नोव्हेंबर वीस उन्नीस को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात से नगर कॉईल केरळ के लिए बैठा यह ट्रेन सूरत से उन्नीस बजके पैतालीस बजे चली और एक दिसंबर बीस को ग्यारह बज के बजे नगर कोइल पहुंची। यदि सूरत से नागर कोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस तरह तो इस मात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी यानी इस यात्रा में ट्रेन की औसत थी तो यहाँ पे क्या पूछा है कि एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा है सुबह शाम को सात बज के पैंतालीस मिनट पे सूरत से उन्नीस बज के पैंतालीस मिनट यानी बारह बजे दोपहर के बाद सात बजे सात घंटे बाद यानी उन्नीस बारह और सात उन्नीस तो सात बज के पैंतालीस मिनट शाम को वो बैठा तो आ, 29 नवंबर बीस सौ उन्नीस को वो बैठा सात बज के पैंतालीस मिनट शाम को सूरत से और एक दिसंबर 2019 को 2019 को सुबह ग्यारह बज के पैंतालीस बजे नागर कोयल पहुँचा और सूरत से नागर कोयल का अंतर है 2120 किलोमीटर तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी यानी यहाँ पे स्पीड पूछा है स्पीड क्या था ट्रेन का एवरेज स्पीड तो ऐसे ये ऐसे एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं तो पहले कितना टाइम लगा वो निकालना पड़ेगा तो अभी 29 नवंबर को वो शाम को सात बज के पैंतालीस मिनट पर निकला तो 29 नवंबर का रात को बारह बजे तक का टाइम रहेगा फोर चार घंटे और पंद्रह मिनट तीस नवंबर पूरा दिन उसने यात्रा की तो चौबीस घंटे हो गए और एक दिसंबर को सुबह ग्यारह बज के पैंतालीस मिनट पर पहुँचा यानी ग्यारह घंटे पैंतालीस मिनट तो टोटल कितना हो गया फोर्टी चालीस घंटे हो गए और अंतर है इक्कीस सौ बीस किलोमीटर तो ट्रेन की औसत चाल निकालने के लिए अंतर उसको डिवाइड बाय टोटल टाइम तो 40 से डिवाइड करेंगे तो 53 आंसर आ जाएगा तो इसका आंसर है 53 किलोमीटर पर आवर तो ट्रेन की औसत चाल थी 53 53 किलोमीटर पर आवर यानी तीसरा जो है तीसरा जो है वो आंसर है उसके बाद निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है तो आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त वेटलिफ्टर ये में से को चारों चारो से कोण है तो कर्णम मल्लेश्वरी ये जो है वो आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त वेटलिफ्टर है नीचे गया कौन सा एक समूह जडोंक आहे यानी रूट कौन सा आहे आपण मराठीमध्ये मुळं म्हणतो त्याला तर कोणता समूह आहे यामधला तर याच्यामध्ये तुम्ही नीट वाचल्यावर कळेल की जो चौथा आहे गाजन गाजर सुकंदर और मुली हे सब क्या आहे जडे आहे म्हणजे रूट्स आहेत मराठीमध्ये मुळं मानतात त्याला रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है, जो पाया जाता है, तो रेगिस्तानी ओक का पाया जाता है तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया यह आंसर है बाद में नेफिंतिस यह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए ए यह पौधा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है भी इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है और चौथा यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पा पाता तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो ए बी और सी हाँ ए और बी पहला जो है वो ए और बी इसका आंसर जो है ए और बी है तो आ, ए, ए और बी इसका आंसर है पहला तो सिक्सटी सिक्स भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी यह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है तो दांडी यात्रा जो निकाली थी गांधी जी ने वो किस राज्य में थी तो गुजरात में थी ये सबको मालूम है कि दांडी यात्रा गुजरात में निकाली थी उच्च तेज बुखार के साथ कंपकम्पी कम्प जिसका उपचार सिंगकोना पेड़ की छाल के छाल से किया जा सकता है यह है यानी कौन सी बीमारी का या तेज बुखार का इलाज सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है तो इसका आंसर है मलेरिया मलेरिया का इलाज किया जाता है बाद में कि, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है फिर वह बी पर जाते हैं जो ए से ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है फिर वह सी पर जाते हैं जो बी से ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है और अतः अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुँचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में नव्वे नाइन्टी मीटर की दूरी पर है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है तो ये दिशा संबंधी प्रश्न है तो इसको आप रफ पेज पे ऐसा बना सकते हैं। तो अभी एक्स यहाँ पे घर है उनका तो यहाँ से 600 मीटर वो ईस्ट साइड पे यानी पूर्व दिशा में 600 मीटर गए ए पर आए और बाद में दक्षिण की तरफ 450 मीटर गए बी पर आए और फिर पश्चिम में 120 मीटर गए सी पर आए और बाद में नब्बे मीटर जाके वो अस्पताल वाई में पहुँचे अभी वाई और एक्स में अभी आप अगर दिशा देखेंगे वाई से एक्स की तरफ तो उत्तर पूर्व दिशा है तो इसका आंसर जो है वो उत्तर पूर्व है तो आपको ऐसे रफ पेज पे ऐसे बनाना पड़ेगा तभी तो आपको आंसर वो पता चलेगा तो इसका आंसर है उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व ये जो पहला जो है वो आंसर है उत्तर पश्चिम आंसर है तो यहाँ से उत्तर पश्चिम की तरफ वो दिखेगा उत्तर पश्चिम में आंसर है चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं तो चेराव जो नाच है वो कौन तो से प्रदेश में कहा के लोग करते हैं मिजोरम के लोग तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से है तो आप अगर ये कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश केरल और कर्नाटक ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है तो आपको इसके लिए मैप उसको पढ़ना पड़ेगा भारत का एन सी एफ दो हजार पाँच के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य नहीं होना चाहिए तो पर्यावरण अध्ययन के कौन से उद्देश्य नहीं होना चाहिए तो ये जो चौथा है पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों को कौशलों का विकास करना यानी उसमें संख्यात्मक कुछ ज्ञान आता नहीं पर्यावरण अभ्यास में तो यहाँ जो एग्जाम्पल लिया है वो उत्तर आ, उत्तर पश्चिम होना चाहिए यहाँ पे आंसर उत्तर पश्चिम है यहाँ पे गलती से नॉर्थ वेस्ट लिखा है पर यहाँ हिंदी में उत्तर पूर्व लिखा है तो उत्तर पश्चिम होना चाहिए तो इसका आंसर उत्तर पश्चिम है या आप अगर देखेंगे वाई से एक्स उत्तर पश्चिम जो है वो आंसर है ये दूसरा वाला आंसर है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं तीन से पाँच के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है तो पर्यावरण अध्ययन थर्ड स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के लिए विषय क्षेत्र है वो क्या संकलित करता है अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को यानी पर्यावरण शिक्षण में तीसरे से पाँचवीं तक ये सब आता है पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान बाद में निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है तो ये चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि इसका आंसर जो है वो दूसरा है कि एक से दो की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है तो कक्षा एक और दोन के लिए दो के लिए पर्यावरण अध्ययन ये सब्जेक्ट नहीं है तो भाषा और गणित के के माध्यम से ही पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याय पर्याप्त समय दिया जाता है यह इंगित करता है कि यानी उनको बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है वो खोज के सीखते हैं यानी डिस्कवरी करके वो सीखते हैं तो यह क्या इंगित करता है तो यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है तो अगर चारों आप पढ़ेंगे तो चारों में से कौन सा है तो यहाँ पे जानवर जो है वो एक उप प्रकरण है बाकी नहीं है बाकी तीन नहीं है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है यानी कंपलसरी क्या है डिजायरेबल यानी वो करनी ही चाहिए ऐसी गतिविधि कौन सी है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए तो इसका आंसर है दूसरा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना निम्नलिखित में से कि... क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है तो ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण क्या है पर्यावरण अध्ययन के में इसमें ए है बच्चों का सक्रिय भाग लेना बी बच्चों के समुदाय में समुदाय के सदस्य पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें डी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दिए गए व्याख्या और परिभाषा तो इसमें से कौन कौन सा है तो इसका आंसर है ए बी और सी बच्चों को सक्रिय भाग लेना बच्चों के समुदाय के सदस्य पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें तो ये तीनों है चौथा नहीं है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है तो कैसे जोड़ा जा सकता है प्रभावशाली तरीके से ए वृत्तांत बी कहानियाँ सी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या तो इसका जो आंसर है वो है दो केवल ए और बी तो वृत्तान्त और कहानियाँ ही प्रभावशाली है बाकी उतनी प्रभावशाली नहीं है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना तो इसमें आंसर है चौथा ए बी और सी तीनों भी उसका है ए बी और सी यानी तीनों भी इसका, इसका उद्देश्य है बाद में पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि ये कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है समूह में सीखना समूह में सीखना सहाद्यायी सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंत क्रिया को बेहतर करता है अंतर क्रिया को बेहतर करता है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है तो इसमें जो है आंसर वो है तीसरा बी और सी निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है ए परिवार के सदस्य बी समुदाय के सदस्य सी समाचार पत्र डी कक्षा तो इसमें से ए बी और सी ये तीनों प्रभावशाली है कक्षा में उतना नहीं बाकी तीन जो है वो प्रभावशाली संसाधन संसाधन का है कक्षा ये संसाधन नहीं है निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का अध्ययन में अनुसरण होता है कौन सा सिद्धांत अध्ययन सीखने के लिए वहाँ पे अनुसरण होता है तो इसका आंसर है ज्ञात से अज्ञात यानी हम ज्ञात से शुरुआत करते हैं और फिर अज्ञात की तरफ जाते हैं बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है तो रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी हम हमेशा जो असेसमेंट करते हैं मूल्यमापन करते हैं वो उसमें से कौन सा साधन नहीं है तो जो वार्षिक उपलब्धि है वार्षिक उपलब्धि हम साल के बाद लेते हैं पूरा साल कंप्लीट होने के बाद तो इसका रचनात्मक आकलन नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट हमेशा चलता रहता है निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए तो कौन सा बच्चों के आकलन में दूर रखना चाहिए यानी मूल्यमापन से दूर रखना चाहिए तो इसका आंसर है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना ये नहीं होना चाहिए उसने कितना सही लिखा है वो या गलत लिखा है वो नहीं होना चाहिए एक कक्षा पाँच की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें यह कक्षा के बच्चों में फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चीटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने की कर सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक तो शिक्षक ने क्या कहा कि फर्श पे कुछ चीनी के दाने डालो और चीटे आने का इंतज़ार करो तो इसका क्या मतलब है तो इसके आ, आ, बच्चों को इन क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक तो शिक्षक को क्या करना चाहिए तो इसका आंसर है तीसरा बच्चों को क्रियाकलाप का अवल, अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है तो उसके बाद शिक्षक ने ये करना चाहिए तीसरा आंसर बाद में नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए ककुआ कचुआ घड़ियाल कौवा बदक और मछली इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है तो इसमें से भिन्न कौन सा है तो इसमें से भिन्न जो है वो कौवा है क्योंकि बाकी सब पानी में रहते हैं और एक कौवा जो है वो पानी से बाहर रहता अभी यहाँ पे ए और बी दिया है उसको हमें उसका जुड़िया लगानी है मैच द पेयर से तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हांगकांग में वो पकाया हुआ सांप खाते हैं तो और बाद में केरल में केरल में जो है वो सरसों के तेल में बनी मछली जो है वो उसमें केरल में किसी भी करी के साथ उबला टैपियो का खाते हैं केरल में पहला वाला कश्मीर में जो है वो सरसों के तेल में बनी मछली और गोवा में जो है वो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली यानी वो दूसरा जो है वो आंसर है ए का पाँचवा बी का पहला सी का दूसरा और डी का तीसरा नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है इसका आंसर मैना पक्षी है वो क्या करती है ऐसा झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है बाद में घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए यानी घर के प्रकार दिए हैं। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी कई कंटीली झाड़ियाँ की होती है जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं यानी राजस्थान के लोग ऐसे रहते हैं बी मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बाँसों के खम्बों पर बनाए जाते हैं बाँस यानी बाम्बू का झाड़ रहता है बाम्बू उस पर रहते हैं सी लेह में पत्थर के दो मंजिले घर बनाए जाते हैं नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं इनमें सही कथन है या अनेक है तो इसमें कौन सा सही कथन है तो ए और सी ये सही कथन है ए और सी तो बी नहीं है तो मनाली पे बांबू के झाड़ पे नहीं रहते लोग ये और सी बराबर है हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए ये हाथी बहुत कम आराम करते हैं वह एक दिन में केवल दो से चार घंटे ही सोते हैं एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 सौ के जी से अधिक पत्तियाँ और झाड़ियां खा लेता है सी इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत बाता है इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है और डी किसी हाथियों की झुंड में सबसे बुज़ुर्ग हाथीनी ही सभी फैसले लेती है तो इसमें जो आंसर है वो है सी डी और ए सी डी और ए चौथा जो तीसरा जो आंसर है तीसरा आंसर है सी डी और ए तो सी यानी इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत बाता है उनको ठंडक मिलती है डी किसी हाथियों की झुंड में अपने सबसे बुजुर्ग हाथीनी ही सभी फैसले लेती है और ए हाथी बहुत कम आराम करते हैं वो एक दिन में केवल दो से चार घंटे ही सोते हैं तो ये सी डी और ए इसका आंसर है तो हमने आज जा... ई uh, यानी पर्यावरण अध्ययन के तीस प्रश्न पड़े हैं जो पिछले साल आए थे बीस बीस सौ अठारह में दिसंबर में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद